प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है रीजनल वेदर बुलेटिन। इसमें हम बात करेंगे कि उत्तर पश्चिम भारत तथा मध्य भारत में जो तापमानों में गिरावट हुई है वो कितनी हुई है। तो आप देखिए, ये पूरा इलाका अब साफ हो गया है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दिल्ली, NCR, इन सारे इलाकों में मौसम साफ हो चुका है। बादल आप देख सकते हैं, केवल पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना तथा पूर्वी राज्यों में दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है तो उत्तरी दिशा से जो हवाएं चलती हैं वो बर्फीली होती हैं, क्योंकि हिमपात काफी ज्यादा हुआ है। जैसे हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से 22 लोगों की जान गई है, जो भारी हिमपात के कारण, जो ठंड में इनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। और वैसे ही पहाड़ों पर बहुत भारी हिमपात इस बार देखने को मिला है। और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाता है, तो जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपने देखा आगे निकला, तो ये जो हवाएं हैं डेड नॉर्दर्ली विंड है जो पूरे उत्तर भारत में तापमान गिरा रही है। हालांकि दिल्ली में आज तापमान गिरे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है, कल होते होते और ज्यादा टेम्परेचर गिर जाएंगे। और कल आपने देखा होगा कि मुंबई में इस सीजन का सबसे कम तापमान 13.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। और उसी तरह से गुजरात में अगर आप देखेंगे तो ये देखो हवाएं जो है पूरे डायरेक्शन आप देखिए या इस तरह से डायरेक्शन आ रहा है। तो गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में सब जगह तापमान गिर रहे हैं। और गुजरात की अगर हम बात करें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 24-23 से लेकर के 25 डिग्री के बीच में ज्यादातर इलाकों में देखने को मिल रहा है। और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 7 डिग्री तक गिर चुके हैं, यानी गांधीनगर वगैरह में 7 डिग्री तक तापमान आ गया है। और अगर राजस्थान की बात करें तो सीकर में एक बार फिर तापमान गिरकर 4 डिग्री तक पहुंच गया, यानी कि लगातार तापमान गिर रहे हैं। मुंबई और उसके आसपास भी सर्द जो रातें हैं वो बढ़ गई हैं, और अगले एक दो दिनों के दौरान हमें उम्मीद है कि मुंबई और उसके आसपास भी तापमान कम रहेंगे, सामान्य से काफी ज्यादा कम रहेंगे, दिन के तापमान भी कम रहेंगे। और जो पुणे और उसके आसपास नासिक, जलगांव, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। और हम अब कह सकते हैं कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ धीरे धीरे अब क्या होगा कि मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, इन इलाकों में भी तापमान गिरेंगे। लेकिन विदर्भ में क्योंकि अगले दो दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, इसलिए इस इलाके में अभी 2 या 3 दिन बाद ही तापमान गिरेंगे। तो कुल मिलाकर के जो नटशेल में हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में अब कड़ाके की सर्दी एक बार फिर अपना रूप दिखाएगी। और ये ऐसा होता है कि जनवरी के महीने में और दिसंबर के आखिर में कड़ाके की सर्दी होती है, लेकिन जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवाओं की रुख बदल जाता है और बादल आने से क्या होता है कि मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, जो हमने देखा था। और जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, निकल जाता है, तो फिर उत्तरी हवाएं चलती हैं। यानी कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवाओं का रुख बदल जाता है और इस तरह से घूमती है और यो उत्तरी हवाओं को ये ब्लॉक कर लेती हैं और बादल आते हैं जिससे तापमान बढ़ जाते हैं। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलता है उसके बाद फिर तापमान गिरते हैं। तो इस तरह का सिनारियो आगे होता रहेगा, लेकिन अगले एक सप्ताह तक हमें उम्मीद नहीं है कोई बहुत बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, इसलिए जो उत्तरी हवाएं हैं वो लगातार चलती रहेंगी। और फिलहाल जो तापमान है बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं और सर्दी अगले कम से कम एक हफ्ते तक परेशान करेगी। हालांकि बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी, यानी ठिठुरन भरी सर्दी, जैसे कि माइनस में टेम्परेचर राजस्थान में आ गए थे, उस तरह का सीन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी राजस्थान और हरियाणा के एक दो इलाकों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।